इंडिया की फेवरेट डिशेस बन गई हैं बदनाम। घी, बटर, मैदा और चीनी ने दिया है इनको बुरा नाम। एंटर वर्ल्ड फेमस इन इंडिया शेफ सारांश, जो लौटाएंगे भारत को उसकी शान। होगी इन सेहत के विलेनों से टक्कर, चैलेंज है ये थोड़ा हटकर। एक्सपर्ट्स करेंगे पास या फेल, स्वाद भी और हेल्थ भी। क्या सारांश कर पाएगा दोनों का मेल? जानने के लिए देखिए हेल्थ चैलेंज। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। समझे ना कौन सा वाला फ्राई? FRYDAY। मेरा फ्राइडे जो है फेवरेट होता है। मैं जाता हूँ एक मूवी देखने नहीं, और साथ में खाता हूँ फ्राइड फूड। फ्राइड फूड जो है इंडियंस की शान है। हम लोग हर चीज को फ्राई करना चाहते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, चैलेंज तो चैलेंज है और मैं चैलेंज से नहीं डरता हूँ। शेफ सारांश ने ये चुनौती कुछ सोच समझ कर ही ली होगी, क्योंकि उन्हें जज करेंगे एक एस्टीम पैनल ऑफ फूड एक्सपर्ट्स चोजन बाय द फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज की फूड एक्सपर्ट रुशीना मुनशाओ गिल्डियाल एक वेटरन ब्लॉगर और कॉर्पोरेट फूड कंसल्टेंट हैं, जिनके टेस्ट बड्स आर ट्रेन्ड टू कैच ईच फ्लेवर। एंड विद अ कीन आई फॉर न्यूट्रिशन है काजल भाटिया, जो कि एक नेचुरल फूड एक्सपर्ट के साथ साथ एक होल फूड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ये जजेस सारांश की बनाई हुई फ्राइड रेसिपीज को चखेंगे और बताएंगे कि ये वाकई उतनी हेल्दी है क्या। So fried food, that's a tough one. That's the toughest one in India to crack, because everybody wants fried to be crunchy, to be tastier, and to bring that down and put the same texture, it's massively difficult, even with substitutions. So let's see what Sarah does. तो शुरू करते हैं ये चैलेंज मीठे से गुलाब जामुन। ये बदनाम रेसिपी है सबकी फेवरेट, मावे के डीप फ्राइड जामुन, जो होते हैं थिक शुगर सिरप में डूबे हुए। इनका हेल्थ से कभी कोई लेना देना ही नहीं है। इसे हेल्दी बनाना है एक इम्पॉसिबल टास्क। तो मुझे थोड़ी बहुत टेंशन तो हो गई है। डीप फ्राई होता है, चाशनी में जाता है, तभी तो सबका फेवरेट है। अब अगर मैं चाशनी को हेल्दी कैसे बनाऊं और डीप फ्राई की बजाय उसको कैसे गुलाब जामुन बनाऊं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है बॉस। पर कोशिश करते हैं। तो गुलाब जामुन के जो हम दो बनाते हैं, वैसे तो उसमें जाता है खोया खूब सारा और छेना, पर मैं क्या करने वाला हूँ, छेना कर दूंगा डबल और खोया कर दूंगा आधा, ताकि कुछ तो फैट कम हो। क्यों ना इसमें हम डाल दें वॉलनट। काफी अनयूजुअल है और टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा। इन वॉलनट्स की खास बात यह है कि आते हैं सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया से, और इनमें होता है खूब सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ आपका वेट भी जो है कंट्रोल में रखते हैं। अब इसके साथ थोड़ा बहुत सैफरन, थोड़ा बहुत इलायची पाउडर, और इसको वापस हम गोल करके रोल कर लेंगे। गुलाब जामुन को डीप फ्राई करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा हो गया। शेफ सारांश शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बॉस, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब गुलाब जामुन को अगर डीप फ्राई नहीं करूंगा तो कैसे बनाऊंगा आखिर इनको? इनको जरा बेक करके देख लेते हैं, शायद ये बन जाए मुंह में घुलने वाले गुलाब जामुन। ट्रे में इसको डाल के हम लोग बेक करेंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 40 मिनट के लिए, बट होपफुली बेक हो जाएंगे। चलिए 40 मिनट हो गए हैं, देखते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कैसे निकलेंगे बेक होके। ये गुलाब जामुन तो हो गए फ्लॉप। अगर ये जजेस को दे दिया तो बाय गॉड, मतलब नहीं 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 नहीं, ये तो मैं दे ही नहीं सकता जजेस को। कोई ऑप्शन नहीं है, डीप फ्राई करना पड़ेगा इन गुलाब जामुन को। बेक होके देख रहे हैं आप क्या है, फूक गए हैं। आय हाय, रंग देखो इन गुलाब जामुन का। तो चलिए जल्दी से चीनी का सिरप भी तो बनाना है, ये तो बनने वाले। हाँ, कुछ तो हेल्दी कर सकता हूँ मैं इस रेसिपी में। चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
सिर्फ गुड़ से बनाएंगे शुगर सिरप। इस सारांश रियली अटेम्प्टिंग दैट, क्योंकि इससे गुलाब जामुन की टेस्ट में काफी बदलाव आ सकता है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मुकाबले में टेस्ट और हेल्थ दोनों बराबर हैं। अरे भैया, आप गुलाब जामुन तो कनोला ऑयल, हेल्दी ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। अब डीप फ्राई हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है ना, और गुड़ का जो स्वाद है मिठास बढ़ाएगा ही, कम नहीं कराएगा। नींबू, थोड़ी इलायची डाल दीजिए, और जैसे ही मेल्ट हो जाए आप डाल देंगे पानी। तो लीजिए, गुड़ वाला सिरप एकदम तैयार है। सेट है बॉस। चलिए, शेफ के लेस खोया और गुड़ से बनी चाशनी वाले गुलाब जामुन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं, पर स्वाद का क्या? बाजार वाले गुलाब जामुन को टक्कर दे पाएंगे ये? हाय शीना, मैंने बनाए घुल आप जामुन। घुल आप जामुन? नो, सो GHUL, वो भी घुल जाएंगे। तो टेस्ट करके देखिए जजेस। आई लाइक टू टेस्ट द शुगर सिरप। वैसे शुगर सिरप नहीं है, मैंने गुड़ का सिरप बनाया। इतने सॉफ्ट कैसे हो? बेक करने की कोशिश जरूर करी थी पर वो एकदम चपट गए, मतलब फिर मैंने एट द एंड इनको डीप फ्राई किया। शेफ के बनाए हुए डीप फ्राइड गुलाब जामुन शायद जजेस को हेल्दी ना लगे, पर दे लुक एकदम ओरिजिनल। और इन्हें बनाने के लिए शेफ ने एक बोल में छेना, खोया, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, कार्डमम पाउडर और दूध डालकर अच्छी तरह मिला लिया। फिर शेफ ने गुलाब जामुन में अखरोट, केसर और इलायची की स्टफिंग की और उन्हें डीप फ्राई किया कनोला ऑयल में। उसके बाद शेफ ने गुड़ को मेल्ट किया और उसमें लेमन स्लाइसेस, इलायची और पानी डालकर एक तार वाली चाशनी तैयार कर ली। गुलाब जामुन को चाशनी में डुबोकर शेफ ने अखरोट, केसर और इलायची से गार्निश किया। क्या ये रेसिपी से जजेस इम्प्रेस होंगे या फिर आज की पहली रेसिपी ही फेल हो जाएगी? लेट्स सी। This really tastes good. Yeah, I like it. I like it. I think in a dish like gulab jamun, even a percentage of health is a good thing. मुझे लग रहा है कि ये definitely अगर उसने और attempt किया होता तो शायद ये baked version निकाल सकता था, because fried gulab jamun तो fried gulab jamun ही है। गुलाब जामुन जो बेक करके निकाले थे वो फ्लैट निकले, और जजेस को वही लग रहा है कि इसने ये बेक क्यों नहीं किया है। तो थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी है। अब 50-50 चांस ही है कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा। नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। आई मीन गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन होते हैं ना, व्हाई मेस विद अ गुड थिंग।